क्लास 10 में मेरे 76% मार्क्स थे, क्लास 12 में मेरे 64% मार्क्स थे। मेरा ग्रेजुएशन में भी ज़्यादा मार्क्स में स्कोर नहीं कर पाया था, मैंने 64% से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट, आखिरी साल के अपने ग्रेजुएशन तक मुझे पता भी नहीं था कि कैट होता क्या है। मैं आप लोगों को जो स्टॉक्स के माध्यम से आपको संदेश देना चाहता हूँ, दोस्तों मैं 2017 के कैट में 99.9% हासिल किया, पर मज़े की बात यह है कि मुझे आखिरी साल के अपने ग्रेजुएशन तक मुझे पता भी नहीं था कि कैट होता क्या है। MBA का नाम मैंने सुना था क्योंकि मूवीज़ में अक्सर जिक्र होता था, लोग MBA करते हैं और मैनेजमेंट में अच्छे पोजीशंस पे जाते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि जाते कैसे हैं। तो दोस्तों मैं अपनी जर्नी बताना चाहूँगा इस टॉक के माध्यम से कि कैसे मैंने शुरुआत की। बात मेरी इंजीनियरिंग की आखिरी सेमेस्टर की है, जब मुझे पता भी नहीं था कैट क्या होता है। मेरा एक फ्रेंड कैट का फॉर्म भरना चाहता था बट उसका नेट काम नहीं कर रहा था, तो कैट का फॉर्म भरने के लिए मेरे पास आया। फिर मैंने उसकी कैट की फॉर्म भरने में मदद की और उसके बाद फिर उसने मुझसे भी बोला कि तुम भी कैट का फॉर्म डाल दो, ये इसका सिलेबस है। तो मुझे बचपन से ही ये था कि मुझे चीज़ों की याद नहीं रहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि भाई चीज़ें रट के हम क्या कर सकते हैं। मेरी हमेशा रीजनिंग में हमेशा मेरा इंटरेस्ट रहता था, मैं न्यूज़ वर्क में सुडोकू आते थे उनको मैं सॉल्व करता था, और मैंने नवोदय का एंट्रेंस भी क्लियर किया था। उसके बाद फिर मैंने अपनी स्कूलिंग नवोदय से ही की थी, पर इसके बावजूद मेरे मार्क्स अच्छे नहीं थे। क्लास 10 में मेरे 76% मार्क्स थे, क्लास 12 में मेरे 64% मार्क्स थे, जिसमें से हाईएस्ट मेरे पेंटिंग में 90 थे। तो इस वजह से मेरा ग्रेजुएशन में भी ज़्यादा मार्क्स में स्कोर नहीं कर पाया था, मैंने 64% से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की इंजीनियरिंग में। तो मेरे पास था कि मुझे कुछ करना है, लेकिन क्या करना है ये मुझे नहीं पता था, और मैं हमेशा एक्सप्लोर करते रहता था कि मैं क्या कर सकता हूँ, और मुझे जवाब नहीं मिल पाता था। तो मुझे जैसे ही पता चला कि कैट एग्ज़ाम है और इसके थ्रू हम MBA में एडमिशन ले सकते हैं, और मैंने MBA के बारे में सुना था कि MBA के हुए कुछ रिनॉल्ड पर्सनालिटीज़ के बारे में मैं जानता था, और ये जानने के बाद मैंने और रिसर्च किया तो और मुझे मोटिवेशन मिली कि MBA करने के बाद लोगों ने कैसे, मतलब स्मॉल बैकग्राउंड से आके उन्होंने MBA किया, उसके बाद फिर MBA करने के बाद उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया, बहुत बड़े बिजनेस लीडर बन गए। तो इनके बारे में जान के मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला, फिर मैंने MBA करने की ठानी। फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना किसी प्रिपरेशन के गया तो उसमें मैं ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाया, लेकिन ग्रेजुएशन कम्प्लीट होने के बाद जैसे ही मेरे फ्रेंड अपने कोचिंग वगैरह के लिए चले गए, जिनको गेट की प्रिपरेशन करने की वो गेट के लिए चले गए, जिनको जॉब करनी थी जॉब के लिए चले गए, पर मुझे था कि नहीं, मुझे मतलब भीड़ को फॉलो नहीं करना है। तो फिर मैंने वो ड्रॉप लिया और फिर मैंने 4 महीने मेरे ग्रेजुएशन के बाद कैट तक मैंने खुद से पढ़ाई की। उसके लिए मैंने एक कोचिंग लिया, जो कि कोचिंग मेरे घर से 2 घंटे आने जाने में लगते थे, तो इसलिए मैं वो हमेशा रेगुलर नहीं जा पाता था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। तो फिर मैंने देखा कि कोचिंग में मटेरियल से ही चीज़ें पढ़ाई जा रही है, तो मैंने खुद से सेल्फ स्टडी करना शुरू किया और मैं रेगुलर खुद से को रेगुलर रखा। और कैट एग्ज़ाम में 3 सेक्शन होते हैं, वर्बल एबिलिटी जिसमें आपके रीडिंग कम्प्रिहेंशन और इंग्लिश की नॉलेज चेक की जाती है, और दूसरा सेक्शन होता है डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें रीजनिंग क्वेश्चंस रहते हैं और क्वेश्चंस ग्राफ पे बेस्ड रहते हैं, और तीसरा सेक्शन होता है क्वांट। तो मेरी तीनों सेक्शन पे अच्छी पकड़ नहीं थी। मैथ में मैं थोड़ा बहुत सही था, लेकिन वही मेरा क्लास 12 में मैथ में सिर्फ 44 मार्क्स आ पाया था, उसके बाद भी मैं क्लास में भी अपने इंग्लिश में सबसे कमज़ोर स्टूडेंट था, तो इसलिए मुझे खुद को इम्प्रूव करना था। तो हमारे पास टारगेट सेट था कि कैट को हमको क्लियर करना है, लेकिन कैसे क्लियर करना है उसके लिए हमें प्लान बनाना था और उसको अच्छे से एग्जीक्यूट भी करना था, क्योंकि इसमें कंपटीशन काफ़ी टफ था, लोग सालों से प्रिपेयर करते थे और मुझे कम टाइम में ही अच्छा रिजल्ट देना था। तो इसलिए मैंने तीनों सेक्शन के लिए अपनी टाइमलाइन बनाई। सुबह उठता था तो मैं वर्ड मीनिंग की बुक थी वर्ड पावर मेडिजी, उससे मैं वर्ड पावर मेडिजी से अपने वर्ड पावर बनाने की कोशिश करता था। सुबह उठते ही मुझे आधे घंटे उस बुक में देना होता था, उसके बाद फिर मैं फ्रेश होता था, उसके बाद फिर तीनों सेक्शन की मुझे प्रैक्टिस करनी होती थी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एज वेल एज क्वांट की। तो ऐसा करता था कि मैं तीनों सेक्शन को मैं मिक्स करके पढ़ता था। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाने में एक ही बार हम हमेशा एक ही खाना खाते जाते हैं तो 2-3 दिन में उब जाएंगे कि सेम खाना हमको रेगुलर मिल रहा है,
लेकिन हमने क्या करते हैं कि उसको मिक्स कर देते हैं, कभी आपके यहाँ खिचड़ी बनती है, कभी आप चावल खाते हैं, कभी रोटी खाते हैं, उसको सब्जी में भी वेरिएशन करते हैं। ठीक उसी प्रकार मैंने सब्जेक्ट में भी वेरिएशन चालू किया। जब मैं क्वांट पढ़ते पढ़ते उब गया तो फिर आरसी सॉल्व करता था, उसको फिर मैं आरसी करते करते उब गया तो रीजनिंग के क्वेश्चंस करता था, और उसको रीजनिंग में आपको अपनी लॉजिक डेवलप करनी होती है, उसके लिए मैं सुडोकू डेली प्रैक्टिस करता था। और इस तरह से मैं अपने प्रिपरेशन को रेगुलर करते गया, और रेगुलर में अपने प्रिपरेशन के लेवल को चेक करने के लिए मैंने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की हुई थी। फर्स्ट सीरीज में मेरी 60% थी, तो उससे मैं काफ़ी डिमोटिवेटेड था, पर मैंने उस पर धीरे धीरे काम करना शुरू किया और 60% से फिर मेरे धीरे 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 मार्क्स इंक्रीज होने शुरू हुए। उसके बाद फिर मेरे फाइनली 95, 98 ऐसे परसेंटाइल आने लगे। उसके बाद फिर मैं फाइनली कैट का एग्ज़ाम अपीयर किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 98.2% मार्क्स आए। मार्क्स आने के बाद मुझे कुछ इंटरव्यू कॉल्स आए थे, और इंटरव्यू कॉल्स में भी मार्क्स का बहुत ज़्यादा वेटेज था, लेकिन मैं अपने आप को उसके बाद डिमोटिवेट नहीं कर पा, डिमोटिवेट करने की कोशिश हुई थी, मेरे कॉल नहीं आए क्योंकि मेरे 10, 12 और ग्रेजुएशन में मार्क्स कम थे। पर मुझे लगता था कि ये सिस्टम का फॉल्ट है, इसके लिए मुझे खुद को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर आदमी की अपनी अलग अलग पहचान होती है, अपने अलग अलग स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दो जीव को लेते हैं, मछली और बंदर। बंदर पेड़ों पर चढ़ सकता है, ये उसकी स्पेशलिटी है, उसका टैलेंट है। और मछली का टैलेंट है कि वो तैर सकती है। तो हमको इन दोनों इनके टैलेंट को हम आपस में मिक्स नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम मछली के टैलेंट इसलिए मेजर नहीं कर सकते हैं कि वो कितना अच्छा पेड़ पे चढ़ पाती है, और बंदर को टैलेंट इतना अच्छा मेजर नहीं कर सकते हैं कि वो तैर किस तरह से पाता है, क्योंकि दोनों की अपनी अलग अलग स्पेशलिटी है, दोनों का अपना अलग अलग टैलेंट है। सेम वैसे ही मेरा अपना टैलेंट था कि मैं अच्छा रट नहीं सकता, अच्छा एग्ज़ाम स्कोर नहीं कर सकता, पर मेरी रीजनिंग अच्छी है और मैं बाकी जो चीज़ें हैं जिनमें रटना इन्वॉल्व नहीं है तो उनमें मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो इस पर मैंने काम करना शुरू किया और इस तरह से मेरा कैट में अच्छा परसेंटाइल आया। तो इसके बाद फिर मुझे जो भी कॉल्स आए थे उन पे मैंने फोकस किया, और उनमें से मैं पहले अटेम्प्ट में कुछ आईएम्स के कॉल कन्वर्ट किए और भी टॉप बी स्कूल्स के कॉल्स कन्वर्ट किए। उसके बाद फिर मैंने वापस प्रिपरेशन स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे जो भी कन्वर्ट कॉल्स हुए हैं, नए आईएम्स थे उनमें से और कुछ और अदर बी स्कूल्स थे, तो उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं था। मुझे लगता था कि मैं और अच्छा कर सकता हूँ, और जो बी स्कूल्स जो एकेडमिक्स पे फोकस नहीं करते उन पे मुझे फोकस करना चाहिए और अपने परसेंटाइल को और अच्छा करना चाहिए। तो इसलिए मैंने उस साल एडमिशन नहीं लिया और वापस दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, और इस बार मैं और ज़्यादा उम्मीद से प्रिपरेशन स्टार्ट किया। और सेकेंड अटेम्प्ट में एक्चुअली हुआ क्या कि मेरा परसेंटाइल और 98.2 से 95 हो गया, तो ये भी काफ़ी मेरे लिए डिमोटिवेटिव फैक्टर था। मेरे फ्रेंड्स से सजेस्ट किया कि जो कॉल्स आ रहे हैं उनको कन्वर्ट करो और वहाँ पे कॉलेज ज्वाइन कर लो, लेकिन इस बार के कॉल मेरे पिछले कॉलेज से भी कम कॉल थे, तो इस बार मैं GDPI इंटरव्यू के लिए गया ही नहीं। उसके बाद फिर से मैंने वापस प्रिपरेशन स्टार्ट की और तीसरी अटेम्प्ट में मुझे 99.87% आया। उसके बाद फिर मुझे जो कॉल्स आए उन पे मैंने अच्छे से फोकस किया, कुछ कॉल्स कन्वर्ट नहीं हो पाए लेकिन कुछ अच्छे कॉल्स मेरे कन्वर्ट हुए हैं। अभी मैं MDI गुड़गांव में फर्स्ट ईयर का PGPM का स्टूडेंट हूँ। मैं आप लोगों को जो स्टॉक्स के माध्यम से आपको संदेश देना चाहता हूं कि आप अपनी स्पेशलिटी और टैलेंट को पहचानिए और उन पे काम कीजिए। जैसे मेरी टैलेंट था कि मेरी रीजनिंग अच्छी थी तो मैं उस पे काम करता था, जैसे मैं बचपन से ही सुडोकू मुझे मिलते थे पेपर में वो सॉल्व करता था, और उसके बाद फिर मैं कहीं पे भी मतलब रीजनिंग लगाने की कोशिश करता था। क्लास में बात होती थी किसी सब्जेक्ट को लेके तो मैं भले उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाता था लेकिन वो मैं वहाँ पे रीजनिंग समझने की कोशिश करता था। तो आप अपने टैलेंट को पहचानिए और उस पे आप काम कीजिए, और दूसरों के ओपिनियन को आप मतलब दिल से मत लीजिए, आप अपनी खुद की ओपिनियन डेवलप कीजिए, क्योंकि दूसरों के ओपिनियन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो सकती है लेकिन आपके लिए सही नहीं हो सकती है। तो आप अपनी खुद की ओपिनियन डेवलप कीजिए, और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप लाइफ में कभी भी हार मत मानते चलिए, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव चली रहती है। फर्स्ट बार में मेरा 98 आया लेकिन सेकेंड बार में मेरा उससे डाउन हो गया, फिर उसके बाद फिर मैंने गिवअप नहीं किया, मैं हमेशा लगे रहा। तो आपका लगा रहना ही आपके काम आएगा, क्योंकि गिवअप करना आपका वहीं पे कहानी खत्म है, लेकिन अगर आप लगे रहें तो आपकी डेफिनेटली जीत होगी।
इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।